आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। आइए कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है, अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है, तो ये ना हो गया, इसलिए पता ही है। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिलकर के, और जानते भी नहीं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के नहीं जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिलकर के और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है, और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई, और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे, और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे, और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी।